वहीं कर्नाटक हिंसा विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ ने फैसला सुनाया। दोनों जजों की राय मामले में अलग अलग थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा। मुख्य न्यायाधीश मामले में बेंच का गठन करेंगे। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा यह लड़कियों की शिक्षा का मामला है। उन्होंने स्वीकार किया कि लड़कियों को अपने शिक्षा के साथ साथ अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम का बोझ उठाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी ने हिंदू पक्षकार के वकील अश्विनी दुबे से बात की है, देखिए। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और दोनों ही जजेस की राय जो है वो इस मामले में अलग है। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप देखते हैं? दोनों जजेस की अलग अलग राय है। एक जज 11 फ्रेम क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कर रहा है और दूसरा जज कह रहा है कि हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको वो रद्द कर रहे हैं। अभी जो हाईकोर्ट का फैसला है हिजाब बैन का, वो तो लगातार बना रहेगा, लेकिन यह है कि अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 जजेस बेंच को वो मैटर रेफर करेंगे और 3 जजेस बेंच उसको डिसाइड करेंगे और जो फैसला होगा वही आखिरी होगा। और देखिए क्या है कि इसमें चूंकि जो जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं उन्होंने जो कर्नाटक हाईकोर्ट की जजमेंट है उसको सही माना और कहा कि वो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है लॉ बनाने का, यूनिफॉर्म को रेगुलेट करने का, लेकिन जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कहा कि जो बायजो इमैनुअल की जजमेंट है उसके मुताबिक आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 25 जो है हर किसी का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए आप उसको स्कूल एजुकेशन में या किसी भी तरह से थोप नहीं सकते और उस तरह से उनको स्कूल आने से नहीं रोक सकते, उनका फंडामेंटल राइट है। अब लार्जर बेंच को डिसाइड करना, 3 जजेस बेंच को, कि इसमें क्या होगा। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का अंत नहीं हुआ है। 3 जजेस के पास ही जाएगा या 5 जजेस की पीठ बनेगी? लार्जर बेंच का मतलब होता है हमेशा जितनी बेंच है उससे बड़ी बेंच, तो 3 जजेस बेंच इसमें डिसाइड करेंगे। तो अब इस मामले में बड़ी पीठ जो है इस मामले में सुनवाई करेगी और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला मुख्य न्यायाधीश के सामने आता है तो मुख्य न्यायाधीश कितने जजेस की पीठ जो है वो बनाते हैं। फिलहाल हिजाब के ऊपर जो बैन लगाया गया था वो बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन अतुल के साथ टोटली वीगले अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।